वही अगली खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां बता दें कि पूरा मामला खुंडियावन का है, जहां वर्ष 2000 से 2023 तक शासन द्वारा करीब 105 आदिवासी किसानों को संयुक्त रूप से पट्टा जमीन वितरित किया गया था, जहां किसान खेती किसानी का जीवन यापन कर रहे थे। वहीं पड़ोसी गांव नवा गांव दयाली में रहने वाले कुछ दबंगों ने इन गरीब किसानों की जमीन पर अपनी नजर गड़ा दी। आपको बता दें, उन्होंने किसानों की पट्टे वाली जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहीं ग्रामीण किसानों ने इसकी शिकायत वन विभाग सहित प्रशासन से की है। राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक किसानों को जमीन नहीं मिल पाई है, जिसके कारण अभी तक बुआई का काम नहीं हो पाया है। अब स्थिति यह है कि खेती के लिए केसीसी लोन से मुक्ति पाने की समस्या प्रभावित किसानों ने शासन प्रशासन से खेती में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की मांग की है। वही उपवन मंडल अधिकारी दिनेश सूर्यवंशी ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, उनके मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, धान कुछ केसीसी लेकर अपना जीवन यापन करते थे, उसमें आज नया गांव दयाली का जो बगल का गाँव है, वो ग्राम सभा गाँव है, वो हमारे वन ग्राम का गाँव नहीं है, वो आकर हमारे पट्टा और पर्ची वाले में बेजा कब्जा कर लिया। हम शासन और प्रशासन शासन के पास गए थे, मगर शासन के पास बहुत रिक्वेस्ट किए, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और वो लोग अपना झुग्गी झोंपड़ी बनाकर डेली खेती को, मतलब डेली अपना खेती वो लोग कर रहे हैं, और हमारा जो पट्टा वाला जमीन है उसमें हमको हल नहीं चलाने दिया। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको शासन से हमारा जो जमीन है हमको दिया जाए, हम शासन से नहीं चाहते हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि काली डोंगरी में झलरी और काली डोंगरी आदि के लोग जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, सामुदायिक प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी है, साथ ही साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों के जो फील्ड स्टाफ है हमारे उनको भी किए हैं, सतत दस्ती निगरानी बना के रखे, गाँव वालों का बैठक भी लिए हैं, कुड़िया वालों काली डोंगरी और झलरी वालों का अलग अलग बैठक भी लिया गया है, जिसमें उनको समझाइश दिया गया है कि इस तरह का प्रयास ना करें, जिससे अनावश्यक पेड़ पौधे का कटाई करना, वन क्षेत्र में जुताई करना, इस तरह का सामुदायिक प्रयास ना किया जाए। ये जितना भी है निस्तार सुविधा के लिए हम चाहते हैं कि गांव वालों को एक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार या अपना प्रस्तावित करें ग्राम सभा के माध्यम से, झलरी वाले और कारीगर, जिससे कि वन और वन्य प्राणी सभी सुरक्षित रहेंगे।